हेलो एवरीवन, आज हम डेली करंट अफेयर्स में लेके आए हैं वुमेन फीफा वर्ल्ड कप खत्म हो गया है। एज यू नो दैट स्पेन जो है 1-0 से जीत गई है। किसको हराया है, रनर टीम कौन है, इंग्लैंड है। कितने पॉइंट से, 1-0 से। ठीक है, तो हम इसके बारे में कुछ हमने पॉइंट्स मेंशन कर रखे हैं, तो चलिए देख लेते हैं लिस्ट को। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जो फाइनल हुआ है कहां पर हुआ था, सिडनी में हुआ था। ठीक है, तो कुछ अवार्ड्स दिए हैं जिसको मेंशन करना है। तो यंगेस्ट प्लेयर का अवार्ड किसको मिला है, सलमा परालिनो को, जो स्पेन की है। ठीक है, गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसको मिला, मेरी एप्स को। गोल्डन ग्लव्स अवार्ड किसको मिलता है, गोलकीपर को, कि कितने गोल उसने सेव करे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। गोल्डन बूट अवार्ड किसको मिला है, हिनाता। गोल्डन बूट अवार्ड जो है हिनाता मियाजावा को मिला है, वो जापान की हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला है, आइटाना बोनमोटी स्पेन, जो विनिंग गोल करा था वो उनकी कैप्टन थी स्पेन की, ओल्गा कारमोना ने किया है। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स जो है हम और देख लेते हैं। फर्स्ट एडिशन कब हुआ, 1991 में हुआ, जिसकी ट्रॉफी यूएसए ले गई। ठीक है, और ये कौन सा एडिशन था, ये 9th एडिशन था। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी रिसेंटली बैंकिंग का एग्जाम होने वाला, उसमें भी बहुत पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसका मैस्कट क्या है, तजुनी पेंगविन। ठीक है, फेयर प्ले अवार्ड किसे मिला, जापान को मिला है। ठीक है, और कौन है, हॉस्ट। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड दो कंट्री है जिन्होंने इसको होस्ट किया है 2023 का फीफा वर्ल्ड कप। थैंक यू।